दुखी भी अपने को होना है और खुशी अपने को होना है और अपने साथ फैमिली को होगी। और दुखी यार फैमिली को होता है तो सिलेक्शन नहीं होता है कि आपको देखते पड़ते हैं यार कि बच्चा पढ़ रहा है, अपनी बच्ची कितना पढ़ रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका। तो अपने को इसी सेकंड ऑप्शन लाने में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा यार। हेलो माय फ्रेंड्स, जिस घड़ी की आपको इंतजार था वो आपकी घड़ी आ गई है 5 मई। हाँ, आपके नीट के एग्जाम की डेट गवर्नमेंट ने निकाल दी है, एनटीए ने। हाँ, आपके बहुत सारे जो माइंड्स में क्वेश्चन थे वो आज सारे अपन क्लियर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन यही था कि नीट एग्जाम कौन करवा रहा है, आ गया गाइडलाइंस, एनटीए करवाएगी, ठीक है। दूसरी बात, डेट फिक्स हो गई है कि 5 मई की डेट है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गई। लेकिन अब अपन बात कर देंगे, आपके माइंड में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही चल रहा होगा या आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, ये बहुत सारे बच्चों के साथ यही हो रहा होगा कि भैया मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लग रहा ना। तो अपन आज यही बात करेंगे कि आपको क्या करना है कि जिससे आपका पढ़ाई में मन एकदम 100% लग जाए या जितना हो सके मैक्सिमम अपना आउटपुट आप निकाल सको, ठीक है। माइसेल्फ विजय खांडल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज। तो अपन बात करते हैं कि देखो यार, जो नीट का एग्जाम फिक्स है, डेट उसकी फिक्स हो गई है कि 5 मई को एग्जाम है, ठीक है। दूसरी बात, आपका सिलेबस फिक्स है कि आपका सिलेबस नीट में ही आ रहा है। हाँ, थोड़ा डाउट है कि आपको ओल्ड की न्यू एनसीईआरटी, देखो मैं पहले भी ये कहता कि आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करो, उससे बाहर तो कुछ नहीं आना है। तब तक पता नहीं एनटीए गाइडलाइन कब निकालेगी कि एनसीईआरटी का सिलेबस क्या आएगा, बट आप यही मान के चलो कि क्वेश्चंस पुरानी एनसीईआरटी से आएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन कि देखो, आपका जो सिलेबस फिक्स है, एग्जाम की डेट फिक्स है, तो आपका टारगेट भी आई थिंक फिक्स ही होगा कि मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है और 2023 नीट 5 मई को ही लेना है, इसके अलावा बस कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो यार देखो, मन को ना एक चीज बोल दूं, आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आपको दो खुशी देनी है, एक तो उन लोगों को देनी है जो आपके खुशी में खुश है, आपके सिलेक्शन में खुश है, दूसरे वो लोग जो आपके सिलेक्शन ना होने से खुश है। तो मैक्सिमम लोग कौन से हैं जो आपके सिलेक्शन में नहीं होने में खुश होंगे, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको खुशी किनको देनी है, जो आपके साथ है उनको कि जो आपके अपोजिट उनको देनी है। बहुत से समाज में से लोग होते हैं, आस पड़ोसी सब होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम से खुश होते हैं। देखो, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अपने को पता नहीं बिल्कुल भी, वो सब लिखा हुआ है, वो भगवान ने लिखा रखा है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपने हाथ में एक ही है, बस पढ़ाई करना अपना अच्छे से कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और बाकी टाइम में एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अपने को पढ़ाई करनी है। सिलेक्शन अपना होगा, ड्रीम अपने पूरे होंगे, गोल अपना अचीव होगा, फैमिली अपने खुश होगी। तो अब आपके हाथ में है, आपको खुशी किनको देनी है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उठो यार पढ़ो, एक दिन लगेगा, दो दिन ही लगेगा, तीन दिन ही लगेगा, फोर्थ डे ऑटोमेटिक आपको पढ़ाई में मन लग जाएगा। आप उसी को देखोगे यार पढ़ लें, तो कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास, कोई फैमिली बिजनेस है, नहीं है ना, कोई पापा का दूसरा काम है, नहीं है ना, कोई आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि आप वो संभालोगे, नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन है ना, बस पढ़ने का, तो बस पढ़ना ही अपने को, माइंड के सारे क्वेश्चन बाहर निकाल दो। देखो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो दुखी होंगे। दुखी कौन होगा? आपकी फैमिली, कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है या आप उनके बहुत करीब हो, तो वो थोड़ा हो से दुखी हो, लेकिन देखो प्रॉब्लम बस खुद को ही सोल्व करनी है। सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बाद में अटेम्प्ट भी खुद को लेना पड़ेगा, या कोई दूसरा टारगेट ही खुद को बनाना पड़ेगा। तो वही है यार, माइंड में एक ही बात फिक्स कर लो कि दुखी भी अपने को ही होना है और खुशी अपने को होना है और अपने साथ फैमिली भी होगी। और दुख यार फैमिली को भी होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको देखते हैं पढ़ते हैं यार कि बच्चा पढ़ रहा है, अपनी बच्ची कितना पढ़ रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका। तो अपने को ऐसे सेकंड ऑप्शन लाना ही, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा यार। अपन पढ़ रहे हैं, मेहनत इतनी करो कि जब मान लो अपना रिजल्ट आए ना, पेपर लगे ना, तो अपने माइंड में अपने दिल से आवाज ये ना आए कि हाँ यार मैंने मेहनत कम की थी। सिलेक्शन हो ना हो अपने हाथ में नहीं है बिल्कुल भी, बट ये दिल से आवाज आनी चाहिए कि हाँ यार तूने मेहनत की थी, बट कुछ ना कुछ कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या पता तेरे लिए इससे बहुत अच्छा लिखा हुआ हो। हाँ, और बहुत लोगों के साथ अच्छा लिखा हुआ भी है, बट आपको सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार, होगा। बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, बस लगे रहो। टारगेट फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, डेट फिक्स है, पढ़ने वाले फिक्स हो, एग्जाम का नंबर फिक्स है, इतने नंबर में से आएंगे, कितने लाने हैं वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप बच्चे में 7 महीने में कितनी मेहनत करोगे, ठीक है। तो टारगेट फिक्स कर लो, डेली कुछ ना कुछ गोल्स बनाओ कि इतना पढ़ना है,
इतना रिवीजन करना है, इतने क्वेश्चन करना है, सिलेबस को बिखेरना नहीं है, टाइम आ गया सिमेटने का, सिमेट लो बस चीजों को और लगे रहो एकदम। कभी कोई भी बात हो मुझे कमेंट कर देना। आई थिंक मैंने वीडियो बहुत लेट बनाई है क्योंकि एग्जाम चल रहा है अभी, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट कर पाना दिक्कत आ रही है, बट अब मैं वीडियो रेगुलर लाऊंगा तो आप डेफिनेटली कनेक्ट रहे। कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और या मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो यार। ठीक है, बाय, मिलते हैं, चलो ठीक है, जाके पढ़ो।